नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। सागर हत्याकांड ने इन दिनों पूरे देश में तहलका मचा दिया है। छत्रपाल स्टेडियम में 4 से 5 मई के बीच मारपीट से शुरू सिलसिला एक जूनियर पहलवान की मौत तक पहुंच गया। वहीं हम आपको बता दें कि ये मर्डर केस तब हाई प्रोफाइल बन गया जब इसमें कुश्ती जगत के दिग्गज पहलवान सुशील कुमार का नाम आया था। ताज्जुब की बात ये रही कि इन सब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भगोड़ा बन गया। एक वक्त पर देश की शान रहा यह खिलाड़ी, जिसे अब एक कातिल के तौर पर माना जा रहा है। 20 दिनों से दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार चकमा दे रहे थे और सबकी नजरों से बचते हुए एक शहर से दूसरे शहर किसी पेशेवर गुंडे की तरह छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, लेकिन अब वो वक्त पूरा हो गया है। दरअसल कुश्ती खिलाड़ी को 23 मई की सुबह यानी रविवार को दिल्ली के मुनका इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया। सागर धनकर नामक जिस कुश्ती खिलाड़ी की मौत हुई है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर कैटेगरी का विजेता रहा। वहीं इस खिलाड़ी के बारे में इनसे जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि सागर पूरी लगन से अपने देश के लिए कई पदक जीतना चाहता था और उसका सपना था कि देश का नाम रोशन करे, साथ ही अपने माँ बाप का भी गर्व से सीना चौड़ा करना चाहता था। इस पूरे मामले की स्थिति आखिर पैदा कैसे हुई, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक और जानकारी से अवगत कराते हैं। दरअसल सागर के साथ मारपीट के बाद गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार आराम से अपने घर निकल गए, लेकिन वही जूनियर खिलाड़ी की मौत की खबर आते ही पहलवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जिसके बाद पहलवान की मुश्किलें बढ़ गई और समय बर्बाद किए बिना वहां से ये खिलाड़ी तुरंत फरार हो गया। पुलिस टीम जब तक सुशील के घर पहुंची, तब तक तो पहलवान उत्तराखंड के किसी बाबा के शरण में पहुंच चुका था। इसकी खबर दिल्ली क्राइम ब्रांच को तब लगी जब वो वहां से भी भाग चुका था। सुशील का हरियाणा के नंबर प्लेट वाली गाड़ी से मैराथन खेलना शुरू हुआ, उत्तराखंड के ऋषिकेश से लेकर दिल्ली, इसके बाद तुरंत ही हरियाणा, चंडीगढ़, भटिंडा और वहीं फिर चंडीगढ़ और मोहाली, इन सब के बीच इस शातिर खिलाड़ी ने हरियाणा नंबर प्लेट की कार को भी छोड़ दिया, क्योंकि इन सब में शायद इसको यह अंदेशा लग चुका था कि दिल्ली पुलिस इसकी खोजबीन में लग चुकी है, जिसके बाद अलग अलग गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसका ड्राइवर जाँच के शुरुआती दिनों में ही पकड़ा गया, जिसका नाम बबलू बताया जा रहा है। बबलू की गिरफ्तारी में पुलिस को आधी जानकारी मिल चुकी थी और वहां ड्राइवर ने अपना गुनाह भी कबूल लिया। उसी ने सुशील को अपनी गाड़ी से ऋषिकेश के बाबा के एक आश्रम में छोड़ने का भी बात बताया। इसके बाद ही पूरा उसने अपना वाक्या पुलिस के समक्ष उगल दिया। अभी तक दिल्ली पुलिस ने मुंडका इलाके से खतरनाक पहलवान सुशील को पकड़ा था, तब साथ में एक और साथी अजय भी मौजूद था और वहीं से दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1,00,000 और अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। कोर्ट ने भी इन दोनों को भगोड़ा घोषित किया। वहीं 18 मई को सुशील के वकील ने जमानत याचिका की अर्जी दी थी, उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए पहलवान का युग गायब हो जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। सागर धनकर, जिनकी मौत के मुख्य आरोपी सुशील कुमार को बताया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों की एक समय में बहुत ही अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। सुशील के पिता के मुताबिक सागर की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर खुद सुशील ने ही उसे कुश्ती जगत में चैंपियन बनाने लाए थे। वहीं सागर को अपना गुड़ सिखाने के लिए दिल्ली तक का सफर तय कराया था। खूनी खेल का यह तांडव में सुशील कुमार ने सागर सहित भक्तू, सोनू और अमित की पिटाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि सागर ने 2 महीने का बकाया रेंट नहीं भरा था, जबकि जिस फ्लैट में जूनियर खिलाड़ी रहता था वो सुशील की पत्नी के नाम था और पैसे दिए बिना सागर धनकर उस फ्लैट को खाली कर चला गया था, जो मॉडल टाउन के एम ब्लॉक पर पड़ता है। बार बार मांगने पर भी पैसे ना मिलने की वजह से तिलमिलाए सुशील ने पहले 23 वर्षीय खिलाड़ी पर बंदूक की नोक पर अपहरण किया, इसके बाद छत्रपाल स्टेडियम ले जाकर उसके लाठी डंडे से खूब धुनाई की। इसी बीच सागर को बचाने आए 3 साथी भी सुशील कुमार के गुस्से का शिकार हो गए। कहा जा रहा है कि मारपीट की इस घटना को और हवा इसलिए भी मिली क्योंकि वहां कुछ खूंखार गैंगस्टर भी मौजूद थे। अगर ये वहां नहीं होते तो बात शायद संभल सकती थी। मारपीट में सुशील अपना धौंस और ताकत जमाने के लिए प्रिंस नामक युवक को वीडियो बनाने को कहा, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई के साथ सबसे अहम कड़ी के रूप में जांच में इस्तेमाल किया गया। वीडियो की पुष्टिकरण हुई, जहां यही सबूत फॉरेंसिक जांच में सही साबित हुई
और अधिकारियों ने बताया कि ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन सागर की बुरे तरीके से पिटाई की गई थी। पद्मश्री से लेकर अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित गोल्ड मेडलिस्ट जिसने 2-2 ओलंपियाड मेडल अपने नाम किया था और पूरे भारत को गौरवान्वित कर कुश्ती को एक अलग पहचान दी। लेकिन कौन जानता था देश का ये हीरो आज मुंह छुपाता फिरेगा। पुलिस के मुताबिक इस पहलवान के भागने में और भी बड़े गैंगस्टरों का नाम सामने आया है जिसमें काला जठेरी और विश्नोई का नाम आया है जिनका अपना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गिरफ्तारी के बाद सुशील और अजय को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि सुशील के अब तक छुपे रहने के पीछे कई लोग मददगार बने हुए थे जिनमें दिल्ली नगर निगम पार्षद के बेटे का भी नाम सामने आया है। साथ ही सागर धनकर हत्याकांड में सुशील और अजय के अलावा जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच होगी। बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद इन दोनों गुरु शिष्य के परिवार वालों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। खुद पहलवान सुशील के परिवार वालों ने स्पष्ट किया है कि सुशील के गिरफ्त में आने के बाद सभी खुश हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की कामयाबी पर शुभकामनाएं भी दी। वहीं पिता ने बताया कि सुशील की वजह से गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हो गया है और खुद गुरु की इस करतूत से अब आगे कुश्ती जगत में अंधकार फैल गया है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि छत्रपाल स्टेडियम में जो हुआ जिसने कुश्ती अखाड़ा इन सब को बदनाम करके रख दिया है। जिसके बाद सुशील के पिता ने ये भी कहा कि पुलिस जो उचित कार्रवाई करेगी उसमें हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सुशील के परिवार वालों से भी पूछताछ की थी जहाँ सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया था। ओलंपियाड सुशील के बारे में आगे बताते हुए पिता ने बताया कि सागर 2012 से 13 के बीच सुशील के संपर्क में आया था, वहीं से इन दोनों की पहचान आगे बढ़ते चली गई। घटना की चर्चा करते हुए कहा कि छत्रपाल स्टेडियम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्योंकि गैंगस्टरों से घिरा बेटा अलग ही दुनिया में था जहां उसको सीसीटीवी लगाना शायद मुनासिब नहीं लगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील का मोबाइल और उसकी कुछ गाड़ियां पहले से ही जब्त कर ली थी और अब गिरफ्तारी के बाद और भी पर्सनल चीज़ें जब्त करने की फिराक में हैं जिसमें उनका लैपटॉप भी हाथ लेगी ताकि सच का पता लगाने में और मदद हो सके। इस पूरे भागने की प्रक्रिया के बीच सुशील अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल भी कर रहा था। सोनीपत हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले सागर धनखड़ के माता पिता जिन्होंने अपना लाल खोया है फिलहाल वो न्यायपालिका से सुशील को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। जितने भी पदक उसने आज तक पाई है वो सब वापस लेने की बात भी कही है। अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि सुशील के वकील का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है और वकील का कहना है कि पुलिस जानबूझकर भारत के महान कुश्ती स्टार जिसने पूरे हिंदुस्तान को कुश्ती के क्षेत्र में अलग आयाम दिया है उसे फंसाने की जबरन कोशिश कर रही है जबकि घटना के दिन ये प्रतिष्ठित खिलाड़ी झगड़ा सुलझाने मॉडल टाउन स्थित छत्रपाल स्टेडियम गया था। साथ ही इस हत्याकांड में सुशील पूरी तरीके से बेगुनाह है। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या नया मोड़ आता है। आपको इस पर पूरी जानकारी देंगे इसलिए देखते रहिए HCN न्यूज़।